वेलकम टू आज क्या बनेगा। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पटियाला। ये बहुत ही टेस्टी और जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है और थोड़े ही चिकन में ज्यादा लोगों का काम चल जाता है। और इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत ही स्मूथ और टेस्टी होती है। छोटे बच्चे भी इसे बहुत आसानी से खा सकते हैं। गर्मियों की छुट्टियों का स्पेशल चिकन पटियाला बनाने जा रही हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए ही है। मैंने लिया है 1 किलो चिकन। आप चाहे तो बोनलेस ले लीजिए, बच्चों के लिए और भी इजी हो जाएगा। और हम इसे घी में बनाने वाले हैं, एकदम प्योर घी। काजू और बादाम का पेस्ट बनाएंगे, तो मैंने काफी सारे काजू बादाम लिए हैं। बच्चों के लिए काजू बादाम काफी हेल्दी रहते हैं। चिकन पटियाला की जो क्वीन है वो है हरी इलायची। इस हरी इलायची को जब हम घी में भूनेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये फ्लेवर इस डिश को बहुत टेस्टी बना देता है। साथ ही साथ हम लेंगे लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। 8-10 हरी मिर्च, लहसुन और अदरक है। और हम लेंगे 100 ग्राम से 150 ग्राम के बीच दही, अच्छी गाढ़ी दही लेंगे। और 3 छोटे टमाटर की प्यूरी बना ली है। टमाटर क्योंकि खट्टा होता है, दही भी खट्टी होती है, तो टमाटर कम रखेंगे, दही ज्यादा रखेंगे, दही से क्रीमीनेस ज्यादा होगी। और लेंगे प्याज, जिन्हें मैंने मोटा मोटा काट लिया है, मैंने 3 प्याज लिए हैं। और लेंगे अंडे। अंडे जो है उनका काम सबसे लास्ट में होगा, लेकिन बहुत कमाल का होगा। अंडों का काम मैं लास्ट में बताऊंगी, ये गार्निशिंग के लिए ही यूज होगा। और सूखे मसालों में हमने लिया है चाट मसाला 1/2 चम्मच, 1 चम्मच देगी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच तीखी लाल मिर्च, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच भुना जीरा मसाला, ये आप घर पे बना सकते हैं, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, मैं घर का बना इस्तेमाल कर रही हूँ। जीरा दोनों में है तो मैं जीरा अलग से नहीं डालूंगी। और 1/2 चम्मच हल्दी और नमक स्वाद अनुसार, मैं लगभग 1 से 1.25 चम्मच नमक इस्तेमाल करूंगी। तो सबसे पहला काम है चिकन को मैरिनेट करना। उसके लिए हमने क्या किया है, दही और 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक और हरी मिर्च का एक पेस्ट, सारे सूखे मसाले जो कि मिर्ची, धनिया, हल्दी, गरम मसाला, नमक, भुना जीरा मसाला, सब कुछ मिला दिया है। यहाँ पर चिकन को मैरिनेट करना बहुत जरूरी है, चिकन के अंदर सारे फ्लेवर्स जाने चाहिए। आप यहाँ पर थोड़ा सा नींबू डालना चाहे तो डाल सकते हैं, पर ना भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट हमने बचा लिया है, बाद में यूज करेंगे। अब हमारे पास 3 तरह के पेस्ट तैयार हो जाएंगे, टमाटर का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट और ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट। एक तरफ हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है, उसे ढककर रख देंगे, और दूसरी तरफ प्याज, घी और हरी इलायची का कमाल होगा। अंडे लास्ट में आएंगे। हमने क्या किया है, एक भारी तले का कुकर लेना है, उसमें लगभग 100 ग्राम देसी घी डालकर गरम करेंगे। घी आप कम ज्यादा कर सकते हैं, अगर घी नहीं लेना चाहते तो ऑयल ले लीजिए, लेकिन घी से जो फ्लेवर आएगा वो और किसी चीज से नहीं आने वाला है। घी के अंदर हरी इलायची को अच्छे से भूनेंगे, खूब बढ़िया वाली खुशबू आने लगेगी। उसके बाद हमने डालना है प्याज। अब प्याज को भूनना आपकी मर्जी है, आप इसको काफी कैरमेलाइज करके भी बना सकते हैं चिकन पटियाला, लेकिन मैं इसे बहुत ज्यादा कैरमेलाइज नहीं करूंगी, क्योंकि एक तो कलर डार्क हो जाएगा, दूसरा ये ज्यादा मीठा सा लगने लगेगा, और जो ड्राई फ्रूट्स के पेस्ट की वजह से भी इसके अंदर एक स्मूथनेस ज्यादा आ जाती है, तो इसलिए मैं प्याज को बहुत ज्यादा कैरमेलाइज नहीं कर रही हूँ। उसके बाद मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा भूनने के बाद टमाटर का पेस्ट डालकर अच्छे से मिला रही हूँ। टमाटर के पकने के बाद उसके तेल छोड़ने तक हम इसे पका रहे हैं, क्योंकि टमाटर कभी भी कच्चा छोड़ दिया तो ग्रेवी बर्बाद समझो, लेकिन हम अपनी ग्रेवी क्यों बर्बाद करेंगे, हम तो उसे बढ़िया से बनाने वाले हैं। टमाटर हो गए हैं, तेल छूट गया है, अब हमारा मैरिनेटेड चिकन आ गया है। प्याज बहुत ज्यादा गलाने का कोई फायदा नहीं है, हम इसे प्रेशर कुकर से बना रहे हैं, बट बढ़िया से जल्दी से गल भी जाएगा और टेस्टी भी बनेगा। मैरिनेटेड चिकन मिलाकर अच्छे से घुमाना है, इसके ऊपर सारा घी लग जाना चाहिए, अच्छे से पलट लेंगे। अगर आप बोनलेस ले रहे हैं तो ये बहुत ही क्रीमी और स्मूथ बनेगा, बहुत ज्यादा चलाने मिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही चिकन गल जाएगा। बस अब इसे थोड़ा सा ढककर रखेंगे, तब तक हम इसे ढकेंगे जब तक इसमें से थोड़ा थोड़ा ऑयल बाहर ना आने लगे, ऊज आउट होकर निकलने दिखाई देने ना लगे। देखिए हल्का हल्का ऑयल आने लगा है, ऑयल पे मसाले का असर दिखाई दे रहा है। अब बारी आती है काजू और बादाम के पेस्ट की।
मैंने काजू बादाम का पेस्ट थोड़ा सा बचा लिया है, गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे। और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा पानी। पानी हम बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, चिकन अपना पानी छोड़ेगा, सारे मसाले सारे पेस्ट में भी पानी है तो बहुत ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस उतना ही डालेंगे जितने में चिकन प्रेशर कुकर में कुक हो सके। अब बारी आती है अंडों की। मैंने लिए थे 6 अंडे, उनमें से 2 अंडों को मैंने ऑमलेट बनाना है। ऑमलेट बनाने के लिए वही सेम तरीका, अंडे फोड़ेंगे, उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, चाहो तो थोड़ी लाल मिर्च मिला लेंगे, और फिर एक तवे पर थोड़ा सा घी लगाएंगे। मैं घी बेस्ड बना रही हूँ तो सारी जगह घी यूज कर रही हूँ, आपकी मर्जी है आप तेल यूज कर लीजिए। घी के गर्म होते ही बीट किए हुए अंडे डाल देंगे और उसको पलट लेंगे। बस हमें इसे एक ही बार पलटना है, जैसे हम ऑमलेट को पलटते हैं। और पलटने से जस्ट पहले जब ये आधे से ज्यादा पक जाएगा तो इसकी स्ट्रिप्स तवे पर ही काट देनी है। ये हमारा गार्निशिंग में यूज होगा। जब ये वाला ऑमलेट की जो स्ट्रिप्स हैं ये इस चिकन पटियाला की ग्रेवी में डिप हो जाती हैं और आप इसको खाएंगे तो इतना स्मूथ इसका टेक्सचर आएगा, इसका जो टेस्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा। एक तरफ से काफी ब्राउन है और एक तरफ से हमने इसे सिर्फ गोल्डन करके छोड़ दिया है। तो हमारे 2 अंडे तो हो गए, अब बाकी 4 अंडों का क्या होगा। जब तक हमने ऑमलेट बनाया इतनी देर में एक सीटी आई और हमारी चिकन पटियाला है वो ही पक चुका है, क्योंकि इतने तक एक सीटी हमने देनी थी कुकर में वो दे दी। इतने में अंडे उबल कर भी तैयार हो गए हैं और 4 अंडों को हमने उबाल लिया है, सॉफ्ट बॉइल किया है। और उनको आप चाहे लंबा काट लें चाहे उनको गोल काट लीजिए, आपकी मर्जी है, वो हमारा डेकोरेशन में काम आएगा। हमने एक बाउल लिया है बड़ा सा, उसमें ढेर सारे चिकन पीसेस और टेस्टी क्रीमी ग्रेवी डाली है, उसके ऊपर से हम ऑमलेट की स्ट्रिप्स सजा रहे हैं और अंडे उबले हुए हैं जो उन्हें सजा रहे हैं। आप अंडे जैसे भी सजाना चाहें वैसे सजा सकते हैं। उबले हुए अंडे जब चिकन पटियाला की ग्रेवी में मिक्स होंगे तो उनका फ्लेवर और भी स्मूथ हो जाता है। ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही टेस्टी और स्मूथ ग्रेवी वाला चिकन पटियाला होता है। ड्राई फ्रूट का जो ये पेस्ट है ये हम यूज करेंगे डेकोरेशन के लिए, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे। ऐसे ही एक एक करके प्लेट सजाएं और उसमें थोड़े से उबले अंडे, थोड़ी सी ऑमलेट स्ट्रिप्स और थोड़ी थोड़ी वाइट ये जो हमारी ड्राई फ्रूट्स की सॉस है इसे लगाकर सर्व कीजिए। अगर आपको मेरा बनाया हुआ ये चिकन पटियाला पसंद है तो इसे लाइक करके जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में देर मत लगाइए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी बढ़िया बढ़िया रेसिपीज मिलने वाली है। फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।